हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आज ये वीडियो में हम अखरोट कलेक्ट करेंगे। ये आप देख रहे हो ना, जो वो ऊंचा पेड़ है, ये अखरोट का। इसमें अखरोट आप देख भी सकते हो, छोटे छोटे लगे हुए ना, तो ये इससे झड़ गए हैं बहुत सारे अखरोट। ये ना मेरी नानी के घर पे अखरोट का पेड़ है, उन्हें लगाया था ना, तो अभी तो वही बात है कि लगाता कोई और है, खाता कोई और है, तो इसमें भी बहुत सारे अखरोट झड़े हुए हैं। तो इसको हम कलेक्ट करेंगे, फिर बाद में इसको खाएँगे। इधर काफ़ी झाड़ियाँ हो रही है ना, तो झाड़ियों में जितना जितना मुझे दिख रहा है उतना हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो पेड़ तो बहुत ऊंचा है, तो ऊपर तो चढ़ नहीं सकते, इसलिए जो भी गिरे हुए थे वो उठा लिए। ये यहाँ पे एक पत्ता बड़े अजीब तरह से हिल रहा है, भूतिया स्टाइल में, तो मैंने इसको चेक किया थोड़ा। तो इधर मुझे एक कवर वाला अखरोट मिला, तो ऐसे ग्रीन कलर का कवर होता है इसके ऊपर ना, और उससे ये अखरोट कवर होता है, यानी पूरा ब्राउन वाला। फिर उसके अंदर तो अलग से अखरोट होते ही हैं। बहुत सारे अखरोट मुझे मिल चुके हैं और ये सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। दोस्तों वैसे ना मैंने दो दिन अखरोट कलेक्ट किए, दोनों वीडियो को मैंने ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, और फिर मैंने सोचा कि ये एक ही वीडियो बना करके डाल देंगे। तो काफ़ी सारे अखरोट मिले हैं। अखरोट अच्छा फ्रूट होता है, और ये ड्राई फ्रूट है जिसमें नेचुरल ऑयल होता है, तो वो आप देख सकते हो। देखिए अखरोट लगे हैं, लेकिन बहुत ऊपर हैं ये, बहुत ज़्यादा। और ये वाला जो पत्ता है ये आम का है। ठंडी जगह है, फिर भी यहाँ पर मेरी नानी के घर में ना आम हो गया है, पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है। चलिए अभी इसको थोड़ा देखते हैं कि इसमें से कैसा वाला निकलेगा, बढ़िया निकलेगा। कई बार बहुत सारे अखरोट तो मैंने तोड़े थे, वो ख़राब भी निकले थे, ये वाला ठीक निकल गया। तो ये रही हमारी अखरोट कलेक्शन, बहुत सारे मिल गए हैं। वैसे तो ये काफ़ी दूर हैं, तो ये अपने आप ही झड़ झड़ के गिरते रहेंगे, कोई नहीं, बाद में खा लेंगे इनको भी। तो एनीवेज ये वाली जो क्लिप आप देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट डे की है। इसमें मम्मी मासी ने ये पूरा क्लीन किया था क्यारी को, क्योंकि बहुत झाड़ियाँ हो गई थी, तो इसको एकदम क्लीन करने के बाद तो अखरोट एकदम सामने बहुत सारे दिख रहे थे। ये अगले दिन की कलेक्शन है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। मेरे को तो कोई 19-20 मिले थे, लेकिन अगले दिन हमें और भी ज़्यादा मिले। मेरे ख्याल से इसे जंगली मशरूम बोलते हैं। तो अभी जो हमारा ये छोटा सा गार्डन है, एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है मम्मी और मासी ने, झाड़ियाँ एकदम क्लीन कर दी है, अच्छा लग रहा है अभी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ भी हैं, काफ़ी सारे फ्रूट आते हैं इसमें सब में। एंड थैंक यू, बाय।